लेकिन हम वुमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर, हम वुमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सिटी है जो एनसी का गढ़ रह चुकी है, वहाँ पे आप वुमेन वो तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इतनी को हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई सा भी कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं, हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू, क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है, हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुकुमरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं, वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें वुमेन्स विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जाने हैं वो चली गई है, सर कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कही है, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, चार लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है, हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस्से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं, ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर, आपकी क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति होगी? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने में